हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजकल शो ऑफ का बड़ा जमाना है। अच्छा, हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। True. आप हमारे हीरो हीरोइन देख लो जो बॉलीवुड वाले हैं, अपने साथ इतना लंबा चौड़ा स्टाफ रखते हैं एक मैनेजर, एक डिजाइनर, एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक मेकअप मैन, एक बॉय, एक ड्राइवर, और आगे इन लोगों ने भी दो दो लोग रखे होते हैं। हाँ, तो प्रोड्यूसर देख के डर जाता है कि जिस आदमी ने इतना लंबा चौड़ा स्टाफ रखा है इसकी खुद की पेमेंट कितनी होगी। हालांकि कई बार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को काम पे लगा रखा होता है। प्रोड्यूसर को शक तब पड़ता है जब वो देखता है कि हेयर स्टाइलिस्ट की शक्ल हीरोइन से कैसे मिल रही है। तो फिर हीरोइन भी पर्दा डाल देती है, फिर क्या हुआ, ये भी वही प्रोटीन पीती है जो मैं पीती हूं। जैसे मैं पांडे को एक बार अपना डाइटिशियन बोल के ले गया। अच्छा, मैं कहा ये मेरा डाइटिशियन है, इसका भी चेक बनाओ। हाँ, वो कहते इसका तो पेट निकला हुआ है। हाँ, मैं कहा इसीलिए मेरा भी तो निकला हुआ है। अर्चना जी का सही है, इनका कोई दिखावा नहीं। हाँ। इन्होंने 10 लोगों को निकाल दिया और शादी कर ली। अब सारा काम हस्बैंड से करवाती है। आपको पता है एक बार तो परमीर सर किससे पूछ भी रहे थे, क्या कहते यार मेरे को कोई आइडिया दो, ये 12 फीट की दीवार कूद के कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि 8 फीट तक तो ये पकड़ लेती है। कहते मैं उस दिन दीवार पे चढ़ रहा था, मेरे साइड लॉक से पकड़ के उतरा, नीचे आओ नीचे आओ। और साइड लॉक से बच जाए तो सीधा बेल्ट में हाथ डालती है, अब भागोगे। अच्छा, जब नया नया मोबाइल आया था अर्चना जी, आउटगोइंग इनकमिंग कितनी महंगी होती थी, लोग बड़ा शो ऑफ करते थे, हाथ में पकड़ के चलते थे, क्योंकि जेब में आता भी नहीं था। हाँ। इतना बड़ा तो मोबाइल होता था तो लोग बड़ा शान से चलते थे। हाँ। अच्छा, ऐसे लोग एक मिनट के अंदर ही बात खत्म करते थे, 57 सेकंड पे सोच रहे थे काटना और 58 पे काट देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था 58 पे आप दबा दो ना उसका स्विच, जाके 1 मिनट 1 सेकंड पे कटता था। तो लोग बड़ी चलाकी मारते थे, तो इनकी ना सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ती जाती थी। हाँ हाँ, माँ बाबू जी ठीक है, घर में सब सही है, हाँ हाँ, बहन की शादी पिछले हफ्ते हो गई, हाँ नहीं मैं अभी वापस नहीं आ रहा, अभी टाइम लगेगा, बाबू जी की लड़की देखनी, मेरी आंख का ऑपरेशन कराना है, हाँ मतलब वही वही, हाँ मेरी लड़की देखनी, हाँ 58 हट। ये होता था पहले। आजकल मोबाइल सबके पास तो ब्रांड का दिखावा होने लगा है। हाँ। लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, शीशे के आगे खड़े होके ना फोटो खींच के डाल देते हैं। मैंने खुद बड़ी बार डाली है। हाँ। तो शीशे के आगे डाल देते हैं और फटाफट लाके अपलोड करके लिख देते हैं, हाउस माय न्यू मोबाइल। अच्छा, ये भी भूल जाते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में दादा ही तौलिए में खड़े हैं। वो तो फिर जब कमेंट्स आते हैं तब पता चलता है, अबे 1 लाख का मोबाइल ले लिया, 40 रुपए की धोती दिलवा दे दादा को। जिन लेडीज ने ना महंगी साड़ी पहनी होती ना सर्दियों की शादी में भी, वो शॉल ही लेती, वो साड़ी दिखानी होती ना, पूरी शादी में घूमती फिरेंगी, भैया तो नहीं आए इधर, नहीं भाभी तो नहीं आई इधर। सच्ची बात ये होती, भैया भाभी के लेके नहीं आए होते, ये इसी चक्कर में घूमती रहती। लेकिन 1-1.5 बजे के बाद जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर जब होती ना, फिर जाके तंदूर के पास खड़ी होती है, नान बनने में टाइम है भैया। तो फिर जो तंदूर में रोटियां लगा रहा होता उसको तो सर्दी लगती नहीं। हाँ। वो कई कई बार इनको देखने के चक्कर में अपना हाथ जला बैठता है, बिना आटा लिए सिर्फ हाथ ही तंदूर में लगा देता है। कई लेडीज जो पार्टी में तैयार होकर जाती ना, अब अगर कोई तारीफ करते फिर तो ठीक है, नहीं तो कई बार खुद भी पूछने लगती है, कैसी लग रही हूँ मैं, एक्चुअली जल्दी जल्दी तैयार होकर आई ना। हाँ, मेरे पीछे हस्बैंड बोल रहा था, हाँ बहुत जल्दी जल्दी 2 घंटे में तैयार होकर आई है, नहीं तो आपको भी मेरे ख्याल से फटाफट 6 घंटे में तैयार हो ही जाती हैं आप भी। अच्छा, कुछ लेडीज जो भारी झुमके इयर रिंग पहन के चली जाती है जैसे आपने पहना है, हाँ तो अगर कोई नोटिस ना करे जानबूझ के अपने बाल जूड़ा खोल के बाल फंसा लेती है इधर, तो जानबूझ के दिखाएंगे, देखना मेरा ये बाल फंस गए, देखना निकल नहीं रहे, और फिर सामने वाली तारीफ कर दे ना कि वाओ नाइस इयर रिंग, खुद ही ठीक कर लेती है, ओह थैंक यू। किसी लेडी ने नया नेल पेंट ट्राई किया हो और आप अगर नोटिस ना करो, ना करो, फिर 2-2.5 मिनट तक वेट करती हो, 2-2.5 फिर वो शुरू हो जाती, यू नो कितनी गर्मी है, मेरे को तो सफोकेशन होने लगता है, बता बहुत सफोकेशन होता है, यू नो वी आर 4 sisters and 1 brother। वो तो मेरी मम्मी पापा गर्म जगह पे शिफ्ट हो गए, नहीं तो हम तो 10 भाई बहन होते। और अगर उनकी सहेली ने भी डायमंड की रिंग पहनी हो, वो भी कहती
हम तो एक ही जगह पैदा हुए और एक ही जगह पे बूढ़े हो गए, हम तो कोई शिफ्ट हुए ही नहीं। दिखावा करने वाले जो होते हैं ना, बातों से समझ आ जाते हैं। जेंट्स का पर्स खो जाए ना, दो मिनट में रिपोर्ट लिखी जाती है, साहब पर्स गुम हो गया, 60 रुपए और एक ATM कार्ड था, बात खत्म। लेडीज का पर्स गुम हो जाए तो रिपोर्ट लिखने में पुलिस वाले का पूरा दिन चला जाता है। यू नो भैया, उसमें एक्सपेंसिव पर्स 3 लाख का था, मेरे हस्बैंड पेरिस से लाए थे, उसमें मेरे 1 लाख के शेड से, 2 लाख के इयररिंग से, 3 लाख के गोल्ड के बैंगल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड, मिरर, पॉम, परफ्यूम, सेफ्टी पीस, 50,000 लिपस्टिक, तो मैं शेड भी बता सकती हूँ, बेबी पिंक, ग्रीन पिंक, एक बार और चेक करा। पुलिस वाला पूछता है, एक बार चेक कर लो, पर्स में पति तो ना था। इतना सामान तो ट्रक में ना आवे जितना आपके पर्स में आ गया। ओह गॉड। किटी पार्टीज में ना बड़ा दिखावा होता है वहां पे। अगर एक किसी सहेली आए ना, कोई मेरी नई ड्रेस पहन के आई हूँ और ऊपर से कॉफी गिर जाए, ओह माय गॉड, तुम्हें जला तो नहीं? भैया भैया, तुम्हें कॉफी भी सर्व करना नहीं आता? हाउ डिस्गस्टिंग यू आर। जो तो अंदर जैसे ही वो चेंज करने जाती ना अंदर, तुरंत पलटी मार लेती है, कॉफी भी नहीं पीनी आती बदतमीज को, दिखावे कर रही थी, कितने झूठ बोलती, नई ड्रेस मेक्सिको काट के ड्रेस बना ली, नई ड्रेस माई फुट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अपने खर्चे पे रेस्टोरेंट जाते हैं ना, सिर्फ दाल रोटी ऑर्डर करते हैं, येलो दाल, 2 नान, बात खत्म। लेकिन जब किसी के खर्चे पे जाते हैं ना, फिर वो नई चीजें ट्राई करते हैं, नाउ आई विल ट्राई समथिंग न्यू। किसी और के खर्चे पे मेन्यू देखने में आधा घंटा, 1 टर्मरिक लाटे। और जो वेटर ऑर्डर लेके आता ना, तो उनके एक्सप्रेशन बदल रहे थे, हैं हल्दी वाला दूध? सर आपने कहा था टर्मरिक लाटे। हाँ वो तो ठीक है, पर इसके साथ वो भी तो देते हो, वो अपना कढ़ाई चिकन और 2 नान, वो कहाँ है? वो भी तो लेके आओ। ये दिनेश ने ना एक बार कहीं से सुन लिया एवोकाडो टोस्ट, किसी ने ऑर्डर दिया होगा, इसने सुन लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी जगह दूसरे रेस्टोरेंट पे गया, कहता आई वुड लाइक टू हैव 1 एवोकाडो टोस्ट। वो रेस्टोरेंट थोड़ा हाईटेक था, उन्होंने इसको नोट पैड दे दिया इलेक्ट्रॉनिक, कहता ये लिखिए सर, इसमें अपना ऑर्डर लिख दीजिए। अब एवोकाडो के स्पेलिंग इसके मोहल्ले में ना किसी को आए, हालांकि मेरे ख्याल से इनके शहर तक अभी पहुंचा भी नहीं वो। और फिर इसको समझ में ना आया एवोकाडो, कहता लीव एवोकाडो, कुछ और काटो। ये रखना यार, सीजनल में आलू को भी है, बोले फिर ही अपनी असलियत पे आ जाते हैं। कई लोग शो ऑफ करने के चक्कर में मैक्सिकन इटालियन रेस्टोरेंट चले जाते हैं, फिर समझ नहीं आता मंगवाएं क्या, क्योंकि हम लोग दाल रोटी भरता खाने वाले लोग, फिर बगल वाले टेबल वाले देखते हैं कि वो क्या मंगवा रहा है। किसने ऑर्डर किया ना मैक्सिकन रोल, बॉय मैक्सिकन रोल ले आओ। मैक्सिकन रोल जब आता फिर पता नहीं चलता खाना कैसे है, फिर वेटर जब रख के चला जाता है ना, फिर रोटी को खोल के उसकी भाजी निकाल के ना उसको रोटी के साथ खा रहे होते हैं, कि तुम पहले ही वहां जाओ जहां का तुम्हें खाना खाना आता है। जिस आदमी की इंग्लिश खराब हो वो कभी भी प्राउड से नहीं कहेगा कि माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड। जिसकी हिंदी खराब होगी, यही लड़कियां खास तौर पे ये बोलती हैं, गाइस माय हिंदी इज नॉट सो गुड, दैट्स सो सैड। या मतलब आई मीन मैं ब्रॉन एंड ब्रॉटम इन कानपुर ना, तो मेरी हिंदी नहीं ठीक, मतलब कुछ भी बोल देती है। लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन बोल देना कि मैं तो आपको 67 लाख दूंगा, 67 बात तो 70 की हुई थी, तब इनको पता चल जाता है 67 किसको बोलते हैं। अच्छा कुछ लोगों को रात को चश्मा पहनने का इतना शौक होता है ना, ये नहीं उतारना, भले कई कई बार दो दो सीढ़ी उतर जाते हैं, एक उतरते तो कई बार सीधी सीधी दो उतरते हैं, तो फिर पीछे वाले के सामने बेइज्जती ना हो जाए, आगे की सारी सीढ़ियां दो दो उतरने लगते हैं कि मैं तो उतरता ही दो हूं। कई बार तो ऐसे लोग पिक्चर हॉल में जाते ना, तो अपनी सीट ढूंढते, चश्मा नहीं उतारना, अपनी सीट ढूंढते ढूंढते किसी और की गोद में बैठ जाते हैं, फिर वो उठाता भाई आगे चल, हाँ ढूंढ रहा हूँ, पता है इनको फिर भी नहीं चलता चश्मा, इन्होंने उतारना नहीं। हाँ। तो फिर वो आदमी देख रहा है उसको दिखाने के चक्कर में, जहां कुर्सी नहीं वहां पे 3 मिनट बैठ के फिल्म देख जाते हैं। फिर देखते हैं वो आदमी का ध्यान उधर है, फिर जाके कुर्सी ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, एयरपोर्ट के बाहर फोटो खींच लेंगे फ्लाइंग टू गोवा, और फोटो अपलोड करके ऑटो में बैठ के अंधेरी वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों करती हो आप पर्सनली? अच्छा पहले के जमाने में जब होता था ना, कि टिपिकल अपनी फिल्मों में होता था, लड़का लड़की देखने गए एक दूसरे को, लड़के वाले लड़की वालों के घर गए, लड़की पूरी सुशील बन के घूंघट लेके चाहे समोसे लेके आती थी, हाय हाय आप लो ना क्या अंदाज है, लड़की की माँ बड़ा शो ऑफ करती थी, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए समोसे, बड़ा ही शौक है इसको बनाने का, लड़के का ताऊ खाता खाता पहचान जाता, ये तो महंगा राम के समोसे हैं, आपकी बेटी ने तो ना बनाए। लड़की माँ भी भड़क जाती थी, तो आपका बेटा भी रेलवे में ना है, वरना TC कहाँ चूरन की गोलियां बेचते, चलो चूरन की गोलियां भी बेच ली,
वो साइड पर रख के पैरों की मसाज कौन करता है टीसी? चलो हटो। अरे जिन लोगों की बॉडी बड़ी अच्छी होती है ना, वो भी बड़ा शो ऑफ करते हैं, तो अंगड़ाई भी लेना तो 30-40 सेकंड की अंगड़ाई लेते हैं, और जब तक सारे ना देख लें, देख ले, वापिस नहीं आते। दिखते भी अच्छे हैं उस पोज में खड़े। अपना पांडे जैसा अंगड़ाई लेना। बेयर बॉडी अंगड़ाई पांडे। विजुअल कमाल का है। अच्छा बॉडी बिल्डर आदमी अंगड़ाई लेना अच्छा भी लग रहा है। अब पांडे जैसा अंगड़ाई लेना तो लोग आंख और नाक दोनों बंद कर लेते हैं कि पता नहीं क्या करने वाला है। अच्छा कुछ लेडीज बड़ा होती हैं ड्रामेबाज, जैसे गेस्ट आए ना तो अपने बच्चों को ऐसे प्यार से बात करके बच्चा भी अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है कि कौन है? ये मेरी माँ है। बिट्टू बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, दिस इज वेरी रॉन्ग, बी ए गुड बॉय, गो एंड फिनिश योर होमवर्क, बाद में करूंगा। ओके बेटा लेकिन बाद में करना जरूर। जैसे मेहमान जाते हैं ना, एक हाथ चिटकनी पे, दूसरे से जूता। इधर कुत्ते के बच्चे, तेरे को मैंने कहा था मेहमान के सामने बार बार कोल्ड ड्रिंक मांग रहा, तेरे को कहा था ना एक ही है, तेरा बाप एक ही शहर में समझ गया, तुझे समझ लिया। पढ़ ले पढ़ ले, बाप की तरह सूरों के साथ खेलता रहेगा फिर एकदम से बदल जाता है करेक्टर। अच्छा कुछ लोगों की आदत भी होती है, जिस दिन मेहमान आने वाले हो ना सारी चीजें नहीं कर देते हैं, पर्दे, घर के सारे फ्लावर पॉट, ये वो सब क्रॉकरी, चांदी की क्रॉकरी ले आएंगे। ऊपर से बताते भी हैं, भाई मैं तो कहता हूँ कि जब भी खाना खाओ चांदी की क्रॉकरी में, तन मन दोनों को लगता है खाना और पेट ठंडा रहता है। और मेहमान जब शरबत पीता ना तो उसका होठ गिलास से चिपक जाता है, तब उसको पता चलता है इन्होंने अभी स्टिकर उतारा है। थैंक यू अर्चना जी, हमेशा की तरह मैं देख के आता हूँ हमारे आज के गेस्ट कौन है। थैंक यू गाइस। सर्दियां चल रही हैं, मैं ना नॉर्थ की सर्दी बड़ी मिस करता हूँ कभी कभी। अच्छा हाँ, मतलब इतनी भयानक सर्दी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा कई बार तो आपको पता है रजाई गर्म करने में 2 से 2.5 मिनट तो जाते ही हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप जब रजाई गर्म करके बैठे हुए हो और सडनली कोई बाहर से आपकी आपकी रजाई में घुस जाए और ऊपर से ठंडा पैर आपको लगा दे, ओहो जो रिश्ते सालों में गर्म हुए होते हैं ना वो झट से टूट जाते हैं। अच्छा कई लोग जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं लेकिन एक छोटा सा फैसला लेने में उनको घंटों लग जाते हैं कि आज नहाऊं कि नहीं। Yes. बड़ा होता है आदमी की बाथरूम में जाता है, पहले वो टेम्परेचर चेक करने में आधा घंटा लगा आता है कि अभी भी है, अभी भी है, फिर पैर लगाएगा, फिर धीरे धीरे मग्गा, पैरों से शुरू होता है आदमी, टांगे धोता है, नहाता नहीं आदमी, धोता है एक एक पार्ट, फिर जाके आदमी नहा के मतलब बाहर निकलता है। और उसमें भी जो पहला मग्गा पानी का डालते हो ना, ऐसी शिवरिंग होती है ना, सारे भगवानों के नाम निकलते हैं मुंह से आपके। अच्छा सर्दियों में ना लोग सफर जब करते हैं मूंगफली बड़ा खाते हैं शौक से, बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब होती है ना, सारी मूंगफली आपने खा ली, लास्ट वाली बची है वो लास्ट वाली रेत वाली निकल आई। हाँ। वो फिर आदमी का मूड भी खराब होता है, मुंह भी खराब। वो अगले 15 मिनट आदमी यही करता रहता। पहली बार थूक के साथ फूक भी निकलती। और सर्दियों में सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई लाइट जलाते हुए गलती से पंखा ऑन कर दे। ओहो हो हो, जो आदमी लेटा होता है ना वो फिर किटकिटाते हुए दांतों से भी गाली मैनेज कर लेता है वो। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना हमारे, वो सर्दियों में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, धूप में खाना, धूप में पीना, पूरा समय धूप सेकते रहते हैं। जैसे जैसे धूप खिसकती है ना, मान लो धूप उधर जा रही है, अपनी अपनी कुर्सी भी चारपाई उधर खींचते रहते हैं, जब तक कंधे तक आती तब तक नहीं उठते। शाम तक इतनी सोलर एनर्जी भर जाती ना इनमें बुजुर्गों में, फिर शाम को हाथ रगड़ के आग लगा देते हैं। अच्छा माना सर्दियां हैं लेकिन नए साल का मौका भी है, और इस मौके पे अगर म्यूजिक और डांस ना हो तो जश्न थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं, ये दोनों ही बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं, और इन दोनों के म्यूजिक का हर कोई दीवाना है। तो चलिए बिना देर किए इन्हें स्टेज पे इनवाइट करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पॉपुलर सिंगर, म्यूजिशियन, रैपर, वन एंड ओनली मिस्टर बादशाह।
पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. थैंक यू पाजी, थैंक यू. और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. थैंक यू, थैंक यू. स्मार्ट लग रहे हो आप हमेशा की तरह. थैंक यू पाजी, आप भी. ओ थैंक्स ब्रो. मैं ये सुना चाहता था, मैं तीन चार लाइनें बोल दी, पाजी ने बोला नहीं कुछ आगे से. नहीं पाजी, बहुत सही लग रहे हो, फिट भी हो गए हो. थैंक यू पाजी. बादशाह तुमने इतना अच्छा गाया ना. हाँ जी. तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ. पहली बार किसी को बुके दे रही है अर्चना जी. वाओ. थैंक यू सो मच. वाओ. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू, थैंक यू. वाओ, सो स्वीट ऑफ यू अर्चना जी. ये आप इनके लिए लेके आएंगे, आपको कोई देके गया था, आपने आगे चिपका दिया. मैं पाजी आपको बताऊं, ये फूल आपको महंगे पड़ सकते हैं. क्यों? फूल देके आपकी गाड़ी भी मांग सकती हैं. इन्होंने बहुत साल पहले एक आदमी को गुलाब का फूल दिया था. हाँ. सारी उम्र के लिए उसको एज ए पति रख लिया. पाजी पर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो यार. थैंक यू पाजी. आप हमेशा जूते इतने मजेदार पहन के आते हो ना. हाँ. भारी भारी. हाँ. महंगे महंगे. हाँ. मेरे को तो कोई बोल रहा था, कहता भारी जूतों के साथ ही पाजी बड़ा तेज भाग लेते हैं. भाई प्रैक्टिस बहुत की हुई है ना. कॉलेज में प्रैक्टिस ही भाग नहीं करी थी. लोगों को क्या पता हम कहां से आए हैं. ओह, कैसी रही पार्टी फिर पाजी? बढ़िया रही भाई. भाई मैं वैसे भी नॉर्मली पिछले दरवाजे से निकलता हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ बहुत. ओ पाजी एक बात बताओ यार, ये जो आपने दाढ़ी का स्टाइल रखा है ना, बड़ा कमाल का है. अच्छा. इसको कितना टाइम जाता है पूरा खुरचने में? पाजी चला जाता है, मतलब आधा एक घंटा. रोज? रोज तो करते नहीं है, मतलब आज कपिल शर्मा शो में आए तो आज. आहा, अच्छा. पूरा टाइम लगाया पाजी. नहीं तो फिर आजकल मास्क पहन के रखते हो, कोई पता नहीं चलता किसी को. हाँ, एक्चुअली तो बच जाते हैं. कईयों के मुंह पे तो मास्क के निशान पड़ गए पता. हाँ एक्चुअली एक बार तो उस दिन केबीसी के सेट पे बच्चन साहब को किसी ने बोल दिया, कहते आपके मास्क का निशान कहता है ये मेरी दाढ़ी है. पाजी आप एक बात बताओ यार, मैंने कभी पूछा नहीं आपसे, आप हमेशा अपने सोशल मीडिया पे बैड बॉय बादशाह लिखते हो. हाँ. गानों भी मेंशन करते हो बैड बॉय बादशाह. हाँ. ऐसे कौन से बैड? आप तो बड़े प्यारे आदमी हो. पाजी वो तो जब स्कूल में थे तो शाय तरीके के थे, बोलते नहीं थे ज्यादा. तो पाजी जितनी भी लड़कियां थी सारे वो बैड बॉय टाइप्स लड़कों के साथ होती थी ना, जो बंक वंक मारते थे. तो हमने नाम रख लिया, मतलब तो वो एस्पिरेशन होती है ना कि ऐसा सा बनना है. हाँ. बन नहीं पाए पाजी, नाम रह गया बस. अगर आप गुड बॉय रहो जैसे. हाँ, आप वो ठीक रहते हो. हाँ. हाँ. क्यूट बॉय, गुड बॉय, स्माइलिंग बॉय, डांसिंग बॉय. नहीं लेकिन अंदर की खबरें ये है कि ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू वुमेन एंड अ थरो जेंटलमैन, हमने सुना. यस मैम, आई एम. तो हमने क्या आपकी चेन उतार ली थी? हमने रिस्पेक्टफुल है आपके लिए. तू तो सारे यहां मेरी क्या क्या करता है. वो तो मैं आपसे प्यार अंदर से आपको पता ही है. इतना थोड़ा थोड़ा कम प्यार कर ले, जितना तू अमृतसर वालों को प्यार करता है ना उतना कर ले मुझे. एक तो ना ये कुछ भी करके सिद्धू पाजी इनके दिमाग से नहीं निकलते. मेरे दिमाग से, तेरे दिमाग से. आप तो अमृतसर वाले, और कौन है आपका, कौन रहता है उधर? आप तो देहरादून से हो. पहली बार मैंने पहल की है, वरना तू ही वो यादें बुलाता रहता है. भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो सिद्धू पाजी के घर गए थे. हाँ फिर क्या हुआ था, आपने देखी थी वीडियो? कैसा कैसा रहा? क्या? हाँ, क्या हो? बहुत बढ़िया रहा. हाँ. और बड़ा कहते यार मैं इतना बड़ा हूँ, मैं रोता हूँ अच्छा लगता, पर वो लेडी आगे बैठ गई. ओह गॉड. आगे बढ़ने से पहले आज के दूसरे मेहमान को भी बुला लेते हैं. इन्हें बुलाने के लिए इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सा गा दो. ओ हो हो. दुनिया समझ जाती है कि आप किसकी बात कर रहे हो और किसका नाम लेना चाहते हो. प्लीज वेलकम प्रिंस ऑफ भंगड़ा सुखबीर पाजी. सुपर सुखबीर, क्या बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, और आपको भी पाजी, आपको भी और सबको. थैंक यू सो मच पाजी. मेरा कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि आपसे कभी मुलाकात हो, आज पहली बार मिल रहे. हालांकि मुझे याद है एक बार ना 2007 में आप लुधियाना में आए थे. हाँ जी. न्यू ईयर के मौके पे ही, वो भी नए साल का मौका था. तो आपके आने से पहले हम वहाँ पे हम भी कर रहे थे कुछ प्रोग्राम. तो लेकिन जैसे आप आए फिर इतने धक्के पड़े कि हम आपको देख ही नहीं पाए. फिर आप स्टेज पे आके या तो अपना परफॉर्म करके निकल गए, हमें मिलने का मौका नहीं मिला. लेकिन हाँ भगवान ने ऐसे आज ही मिलाना था. वेरी नाइस टू मीट यू पाजी. थैंक यू पाजी. पाजी हाँ जी. तारे गिन गिन आज तेरी. पाजी कितने साल हो गए इस गाने को? 20 साल तो हो गए. 20 साल हो गए और आज भी कोई ऐसी शादी नहीं होती, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो रही हो, चाहे गुजरात की शादी हो, चाहे पंजाब की हो, ये गाना
बचता ही बचता है हमेशा बाजी, क्या बात भैया। और अच्छा ध्यान से देखो ना अर्चना जी आप, तो इसके लिरिक्स आप अगर देखो, तारे गिन गिन याच तेरी मैं ता जागा रहता हूं, देखो तो थोड़ा सैड सॉन्ग है और आपने सैड सॉन्ग पे लोगों को नचा दिया। थोड़ा नहीं, बहुत ही सैड है। सबसे सबसे सैड पंजाबी सॉन्ग मेरे ख्याल में यही है। ओह माय गॉड। और सबसे ज्यादा लोग इसी पे नाचते हैं और वो भी शादियों पे नाचते हैं। एक्चुअली वो बताता कि शादी के बाद क्या होने वाला है। पर पाजी क्या कहानी है इसके पीछे की? देखो मैंने मेलोडी, मैं कंपोजर हूँ, मेलोडी पहले बना लेता हूँ। अच्छा। और वर्ड्स बाद में हम थोड़ा घुसा देते हैं। अच्छा। तो कुमार जी हैं, बहुत ही आप जानते होंगे उनके, बहुत अच्छे राइटर हैं बॉम्बे के। जी जी कुमार। और मेलोडी मैंने पहली बार उनको, मैं फोन पर बात हुई थी, मिले नहीं थे। अच्छा जी। तो मैंने सोचा नए राइटर है, थोड़ा धीरे धीरे इनको समझाता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला ना 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 ना, ऐसे मैं ये टेम्पो पर उनको समझा रहा था। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत स्लो सॉन्ग है, बहुत सैड लगता है। उन्होंने वैसे लिरिक्स लिख लिए और मेरे पास टाइम सिर्फ एक दिन का था। अच्छा। तो मैंने वैसे ही गा के, मैंने बोला यार बहुत अच्छी तरह बैठ रही है गाने के अंदर। तो रिकॉर्ड करके हमने भेज दिया और 3 महीने उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने यही बोला कि सुखबीर पाजी ने तो मेरा गाना ही ख़राब कर दिया। तो फिर जब गाना थोड़ा कमर्शली चला तो फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। फिर आपने उठाया? मैं तो उठा लेता हूँ सबका फोन। क्या बात है भाई। भाजी आपको जब भी हमने देखा आप हमेशा काले चश्मे में होते हो, तो आपको डर होता है कि कहीं किसी से आंखें मिल गई तो प्यार ना हो जाए, ऐसा वाला सीन है? नहीं ऐसा कोई डर नहीं है, ये मेरा एक इमेज बन गया था। और मैं शायद आपको पहले भी मिल चुका हूँ पर आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा। कब? जब बिना चश्मे के हम ऐसे ही पास हो गए थे। आज मैं जब आया आप ऐसे आए, पाजी ऐसी गलती आ रहा है, पाजी थोड़े गाने देखे तो वो मेरी इट वर्क्स टू माय एडवांटेज। सो मैं निकल जाता हूँ, इनको पिछली गली से निकलना पड़ता है। भाई मैंने सुना कोई नया गाना भी आपका आ रहा है अभी। हाँ जी। कौन सा वाला गाना आ रहा है? उसका टाइटल नच दी है। नच दी। हाँ जी। तो उन्हें सुना देने थोड़ी देर? प्लीज प्लीज पाजी प्लीज, अभी हो जाए। अच्छा मैंने अभी नोटिस किया पाजी, बादशाह भाई पाजी की स्माइल बड़ी अक्षय पाजी जैसी है ना। हाँ 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 हाँ। और फिट भी आप इतने हो। पिछले 3 महीने से एक आदमी मेरे को मिल गया, उसने पूरा जैसे आपका पूरा हुक्का पानी बंद किया हुआ ना जी, उसने मेरा भी किया हुआ है। सो नहीं बहुत अच्छी बात है पाजी। थोड़ा सा मैं हो गया था ऐसे टाइम्स में, मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील। अच्छा बादशाह भाई मैं आपसे पूछने वाला था कि नाम तो आपका बादशाह है, तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो बादशाह तब भी बादशाह था कि रामू काका बन गया था? वो घर के काम तो सभी कर रहे थे ना भाई, घर पे तो सारी रामू काका होते हैं, वो तो मतलब वो तो कोई दुराई वाली बात है। पॉइंट अच्छा है। घर के काम कर रहे थे भाई। और तो आप चंडीगढ़ में थे उस समय? चंडीगढ़ में बहुत काम किया। बहुत काम किया। आप जैसे अच्छे अच्छे बड़े लोग फिट हुए हैं। मैंने भाजी मैं अनफिट हुआ हूँ बहुत ज्यादा। भाजी पर आप बड़े क्यूट लगते हो, मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी मतलब आप सोचो ऐसा कि भाई मैंने ना ये मैंने मैं हाइट चलो ठीक है अच्छी बात है, बहुत क्यूट लग लिया मैंने, थोड़ा हॉट लगना है। क्यूट 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 के चक्कर में भाई उम्र हो जाएगी पूरी, हो चुकी है। मैं भी भाई एक बार हॉट लग के देखूं। अच्छा भाई जब आप स्कूल में जाते थे कॉलेज में, हाँ जी भाई, तो लोगों ने कहा नहीं कि आप बादशाह बादशाह हो? कहाँ के बादशाह? सच्ची बात बता तो मैं बब्बू मान पाजी से पहली बार मिला। अच्छा। तो किसी ने मिलवाया। अच्छा। कि पाजी ये बादशाह है। अच्छा कितो तो बादशाह है तू? म्यूजिक दबा नहीं बट बहुत प्यार से मिले पाजी हो और बहुत कुछ सीखने को मिला। पाजी रख लिया नाम, मैं आपको बताइए शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, फिर जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था तो बादशाह फिल्म आई थी उस टाइम के अराउंड, तो मैं सोचा यार अच्छा नाम रख लेते हैं। तो जब नाम अच्छा रख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी हो जाती है, फिर उसको लिव अप करने के लिए बंदा कर ही लेता है काम। पाजी बिल्कुल आपने किया पाजी, आई एम अप्लॉड यू। नहीं थैंक यू भाई, वेलकम, सो प्राउड ऑफ यू पाजी। थैंक यू भाई। आयो पाजी बैठ लो यार, मैं तो भूल ही गया, सॉरी। आइए प्लीज, जोरदार तालियां सुखबीर पाजी और बादशाह पाजी के लिए। थैंक यू पाजी। जब आप लास्ट टाइम आए थे बादशाह पाजी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके गाने का कोई पोस्टर आता है ना और आप एक तो खुले खुले कपड़े पहनते हो और ऐसे खड़े होते हो, आपके पीछे जो आपके साथ तब आए थे तनिष्क बागची, तो वो बड़े दुबले पतले हैं। मैंने कहा ये तो वैसे ही पीछे छुप जाते हैं, लेकिन इस बार जो हमने आपका पोस्टर देखा हॉट लौंडे का, उसमें देखा सारे आगे खड़े और आप पीछे बैठे हुए हैं, तो ये मतलब ये कहीं से आप वहीं से आइडिया तो नहीं आया आपको? नहीं 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 पाजी, पाजी पॉइंट ये था उसमें दो नए लड़के हैं पाजी, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। एक का नाम है 47। हाँ जी 47 बंदे हैं? नहीं उसका नाम, बंदे का नाम 47, लड़के का नाम 47 है भाई। वेस्ट का साइज हो गया सर? नहीं नहीं नहीं, बड़ा पतला है वो तो। अच्छा। एक 47 है, एक है बाली, तो दो नए लड़के के साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि लेट देम बी द फेस, तो इसलिए उनको आगे रखा भाई। सो स्वीट है। हां वेरी नाइस।
भाजी मैंने एक बात और सुनी आपके बारे में, कहते पहले आपका मन था पायलट बनने का। हाँ जी, बहुत बहुत मन था। फिर क्या हुआ फिर? तो हम बहुत सिंपल सी फैमिली से आते हैं और तब केन्या में रहते थे और पिताजी गुरुद्वारे में कीर्तन करते थे और अच्छा हमारा बहुत बेसिक सा काम था और पिताजी ने बोला सपोर्ट करेंगे, आप फाइंड आउट करके आओ कि क्या उस कितना होता है। तो उस टाइम में 51,000 केनियन शिलिंग्स लगते थे। अच्छा जी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे, सो वो सपना थोड़ा मैंने होल्ड पर कर दिया था। फिर बाद में जाके लंदन में मैंने थोड़ी अपना खरीदा जहाज। हाँ जी, बाद में अपना खरीदा। नहीं, ये पहले खरीदेंगे फिर मैं खरीदा। तो मैंने 18 घंटे किए सोफा। अच्छा। सिंगल इंजन सेसना एक प्लेन होता है जिसमें सिर्फ दो लोग ही बैठते हैं, तो शायद आप बैठ सकेंगे, आप भी शायद बैठ। मैं नहीं बैठ पाऊंगा। बादशाह भाई, मैं आपकी चैट देख रहा था यार गुरुजी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ। हाँ। बड़ी मजेदार आपने उसमें रैप बड़ा वो मजेदार सुनाया था भाजी, वो सुनाओ ना चार लाइनें प्लीज। आपने भी बोलना है इसको जरा गा के सुनाओ। पता क्या आपको ये किस्सा? हाँ। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो सब आर्टिस्ट जो हैं बहुत सारे, मैंने भी किया। कैसा साल गया यार, समझ। हाँ। वाकई ये साल कटा है कि साल ने हमारा काटा है पता नहीं चला था। ये एक्चुअली ना गुरुजी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ, अर्चना जी तो फॉलोअर हैं उनकी, और absolutely, yeah. और बादशाह बाजी की चैट चल रही थी उनके साथ, तो गुरुजी ने कहा कि आप कुछ सुनाए, आप सिंगर हैं गाना, तो उन्होंने रैप सुनाया अपना, बड़ा खूबसूरत था, उसकी वर्डिंग बड़ी खूबसूरत थी, और जब खत्म हो गया तो उसके बाद कहते इसको गा कर सुनाए। पर वो बड़ी अच्छी, इन्होंने गुरुजी के हिसाब से देख के उनकी पर्सनालिटी को, हाँ। वैसा वाला एक रैप सुनाया था, बड़ा खूबसूरत। अच्छा, था वो पाजी, वो एक फिल्म आई थी अजय देवगन सर के शिवाय जी, तो उसका टाइटल ट्रैक में उन्होंने कहा था कि कुछ रैप करना है, तो मिथुन सर ने उसका म्यूजिक बनाया था और उसका रैप कुछ ऐसे था। जी सुखबीर जी नमस्कार, नमस्कार, अपन सब परिवार आए हैं आज, हम देखिए इतने खुश हैं। हेलो बोलो, हेलो बोलो सर को। हेलो। थोड़े सर मिले हैं, बात कम करते हैं, तो आज बच्चा बात नहीं करेगा, आज पापा बात करेगा। मतलब इनका पापा बात करेगा, वैसे तो बच्चा ही बात करेगा क्योंकि बच्चा हमारा नाम है, तो हम ही बात करेंगे और कौन बात करेगा। लेकिन यार अर्चना जी, हाँ जी, आज मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरफ है ओ हो हो, और यहाँ पर है हमारी इन हाउस। तो आज एपिसोड में बहुत सारा बच्चा, तू क्या ओहो हा 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 करने लगा, तू चिराग से निकला है? पप्पू शर्मा, अपने घर में दरवाजे से हम ठीक से निकल नहीं पाते हैं, चिराग तो बहुत दूर की बात है ब्रो, चिराग। कोई ढंग की बात भी कर लिया कर। ये बात ही ढंग की बात करते हैं। तो सर क्या हुआ कि कल ना हमारे तबेले से ऐसे दूध लेके लोटे में हम जा रहे थे, अचानक लोटा हाथ से फिसल गया, जमीन पे गिर गया, ढंग। ये क्या था? ये ढंग की बात थी। और करवा लो ढंग की बात। लेकिन सर, हाँ जी बादशाह जी, रिश्ते में तो आप सबके चाचा लगते होंगे ना? ये क्यों लगेंगे भी? क्योंकि शहंशाह रिश्ते में सबके बाप होते हैं, तो बादशाह चाचा ही होता हो। जस्ट सेइंग, जस्ट सेइंग। चाचा जी जवाब दो। सर आपके पास जवाब है तो दे दीजिए, वरना अगर 500 भी देंगे चलेगा। बच्चा तू कैसी बातें करता है, बादशाह भाई तो आते रहते, उनको पता तेरा। सुखबीर भाई क्या सोच रहे होंगे भी, पहली बार आए। क्या सोचेंगे सुखी भाई, आप क्यों सोचेंगे यार, ये आदमी सुखी है इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा नहीं सोचते हैं, है कि नहीं? वेरी नाइस। लेकिन सर आपसे भी एक कंप्लेंट है हमारा। क्या जी? हाँ जी सर, ये गाने की वजह से हमारे भाई साहब जो है उनकी जान जाते जाते बची है। कैसे? नहीं, आपके गाने को सीरियसली लेके वो तारे गिनने चले गए। अच्छा। अब वो तारे गिन रहे थे, एक तार में करंट आ गया। ऐसा उनको शौक लगा, जाके जमीन पे गिर गए वो। लेकिन जमीन पे गिरने के बाद भी आमिर खान की वजह से उनको एक और शौक लगा। क्या? वो कैसे? क्योंकि उनकी तारे जमीन पर थी ना। Very nice. अरे यार, हंसे हंसे सर, आपका थोड़ा हंसना जरूरी है। क्या होता है ना, देखिए हम खाली आपके सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, जब टेलीकास्ट होगा ना फिर सारा ऐसा देश हंस रहा होगा, बाई चांस आप नहीं हंस रहे होंगे तो रेप्यूटेशन आपका है, कुछ नहीं कह रहे। Very good. Close up, close up.
चैनल देखो हमारे बात पे हंसे। वैसे सुखी जी आप दुबई में रहते हैं ना जी हाँ। तो दुबई का हमारा भी एक इंडिसेंट शेयर करना चाहेंगे। क्या शेयर करना चाहेंगे? इंडिसेंट नहीं होता, इंसिडेंट। इंसिडेंट, अच्छा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। हम भी दुबई गए थे, वहां पे हम एक शॉपिंग मॉल में घुसते हैं। आप दुबई गए? हाँ गए हैं, गए हैं। अरे नहीं, अच्छा ठीक है ठीक गए हैं हम दुबई। तो दुबई गए शॉपिंग मॉल में घुसे, एक शेख साहब हमसे कहते हैं कि बादशाह इधर आके सामान खरीदो, हमें तुम्हें 30% का छूट देगी। हम बोले पहले तो हम बच्ची है नहीं, हम बच्चा है। और दूसरी बात, हम यहाँ दुबई आए हैं, छूट नहीं चाहिए हमें, ऊंट चाहिए। हमारा यह बात सुन के बड़े खुश हुए, गाड़ी में बैठा के हमें रेगिस्तान ले गए। फिर ऊंट दिया उन्होंने? ऊंट नहीं दिया, उधर उन्होंने हमें कूट दिया। कहता बच्चे हमसे कैसे, चिल्ली नहीं है, तुम्हारा बेकार का बात सहन करेंगे। कूट दिया हमको। लेकिन सर आपसे कहना चाहेंगे यार, अपना ये आपका एक गाना आया था ये गेंदा फूल, हमारी बीवी भी कभी प्यार से ना काफी बार हमें इसी नाम से बुलाती है, मतलब साथ में नहीं कहती, कभी गेंदा अलग कहती है। और कभी यू फूल यू इडियट ऐसा वो थोड़ा अलग अलग से कहती रहती है। लेकिन सर सच में आप सर इतना बड़ा सा एक गाड़ी जो है 6 करोड़ का अपने माता पिता को गिफ्ट दिया ना, हमारा भी मन था कि अपनी बीवी को हम सेम गाड़ी दें। अच्छा। तो क्यों नहीं दिया? अच्छा क्या मन था ना यार, धन तो नहीं था। नहीं धन होता तो आज हमारे बच्चे प्रेम में नहीं आते, एटीट्यूड में आते कि हमारे बाप के पास पैसा है। आज बच्चों को क्यों लेके आए? अरे हम ला नहीं रहे थे सर, वो जबरदस्ती यार, इनको पता चला आप दोनों आ रहे हैं, दौड़ते चले आए, बहुत बड़े फैन है। अच्छा? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं सर, सुखी जी आपके तो ये इतने बड़े फैन है, इन्होंने अपना नाम भी आपके गाने पे रख लिया है। मजाक, ये अपने आप को ओ कहता है। अच्छा। ये हो कहता है, ये भी हो कहता है, ये भी हो कहता है। और हम जब कहते हैं ओ हो चारों दौड़े चले आते हैं, ऐसा चलता है हमारे घर में। लेकिन 3 बच्चों का एक ही नाम हो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हमने कहा ये ठीक नहीं है, नाम बदलो। तो हमने फिर साहब के फैन तो हम हैं, हमने इनका नाम बदला, इसका रखा डीजे, ये वाले, ये बाबू, और चौथे वाले का इसका है मेरा गाना बजा दो। मतलब हर एक शब्द के लिए एक बच्चा पैदा करेंगे तो थोड़े पागल हो जाएंगे यार हम, इसके लिए थोड़ा ज्यादा एक साथ रख दिए उसका। सर वैसे हमारे पास ना एक जोक्स का पिटारा रहता है, जोक्स का बहुत फनी होता है, थोड़ा ज्यादा अगर हंसी आ जाए तो देख लेना, जरा कंट्रोल अगर करना पड़े तो। एक बार क्या है कि अपने ये मोम होती है ना, मोम जैसे वैक्स होता, तो उसको अगर लगातार ऐसे घूर के देखते रहे तो ऐसे देखने को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वैक्सीन। एक मिनट जरा, नहीं मारना नहीं, मारना नहीं यार, थोड़ा थोड़ा। सर अभी हमें जाना होगा, क्या ज्यादा देर बाहर रहते हैं तो इनकी जो मम्मी है हमें खाना नहीं देती है। आई लव टू गो नाउ बट आई विल सी यू सर, बड़ा मजा आता है, चलता है, थैंक यू सर। क्या बात पाजी, आप दोनों लाइव इतने सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं। हाँ जी पाजी। तो आपको कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जो ऑडियंस होती है वो सिंगर को डीजे वाला समझने लगती है, वो अपनी फरमाइशें करने लगते हैं कि हमारा ये वाला चला दो, कैसे कंट्रोल करते हो आप फिर? मैं कर लेता हूँ भाई, मैं हम पंजाब में एक वेडिंग कर रहे थे। हाँ जी। तो बड़ी बढ़िया वेडिंग जा रही थी भाजी, तो पंजाब का ही होता है कि वो जब तक आपका मन है तब तक आप नहीं गाएंगे, जब तक उनका मन है तब तक आप। चल रहे भाजी, मतलब हमारे एक लिमिटेड सेट होता है, वही दूसरी बार चल रहा था, तो एक चल रहे हमारे दूसरे गाने हैं, सैटरडे सैटरडे, लड़की करके चलिए, वो एक पीछे से भाजी एक सरदार पाजी आए थोड़े से ना, पहले देख रहे वो काफी टाइम ना देख रहे, देख ओए इत्या, मैं स्टेज पे खड़ा इत्या, थे, थे। ओ सुना चिटे सूट ते दाग पै गया। मैं क्या, इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। यस। तो मतलब मैंने आपस में क्रू में बोला, तो मैं क्या यार किसी को आता है गाना तो वो गा दो, तो एक बंदे को गाना गवाया और फिर पीछे से हम निकल गए भाई। औखा हो जाता है कई बार ना। लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं ऐसे मामलों में, बहुत क्रिएटिव है भाई। पाजी आज आप दोनों साथ में हो, कुछ साथ में कुछ जुगलबंदी हो जाए, मजा आ जाए। पाजी हो जाए, पाजी हो जाए, हो जाए, चलो रौनक लगा दो फिर आज। हां हां पाजी, आप पता है क्रिएटिव कुछ कर लेने हैं ना। जी जी, जो बड़ा भाई फील लाइक पाजी, गल बन गई पाजी, बना दो गल, बना दी गल, बनाओ जी पाजी, मजा आ गया पाजी।
पाजी मैं ना एक्चुअली हमारे दर्शकों कुछ सवाल थे बिकॉज आप लोगों ने इतने लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और स्पेशली लोग चाहते हैं कि किसी के घर में खुशी हो, शादी हो तो आप आए है ना, रौनक लगाए, तो कुछ शादी से रिलेटेड सवाल थे हमारे म्यूजिशियन साथियों के भी थे। अच्छा, क्योंकि ये काफी सालों से इनकी शादी नहीं हुई, मतलब शादी पे गए नहीं कभी, तो इनके सवाल ये थे कि शादी में जो परफॉर्मेंस के बाद स्पीकर समेटने में कितना टाइम लगता है। मैंने ये किया है, मैंने ये केन्या में किया है, तो आधा घंटा लगता था। याद है मेरे को भाई, पता नहीं कहीं भागना पड़ जाता है अपने को तो। नहीं मतलब वैसे ही भीड़ इतनी हो जाती है कि निकलना पड़ जाता है। अभी एक्सपर्ट हो गया बादशाह भागने में। मैं मेरे को बस अब ओलंपिक जाना रहेगा, मेरा गोल्ड भी आया। भाई जब आप किसी संगीत सेरेमनी में परफॉर्म करते हैं और आपको पता होता है दो दिन बाद शादी है और आपको जब उसका कार्ड नहीं देते तो आपको कैसा फील होता है? पर पैसे आ जाए कार्ड के, कोई टेंशन नहीं। एग्रीड। भाई कभी ऐसा हुआ आपने एक ही शहर में दो शादियां पकड़ ली हो और फिर भाग भाग के परफॉर्म करना पड़ा हो कि यहाँ भी जाना है? भाजी मैं आपको बताता हूँ, एक शहर छोड़ो, हमने एक दिन में एक रात की दो शादियां पकड़ ली, एक पकड़ी चंडीगढ़, एक पकड़ी दिल्ली। व्हाट? वो है नहीं बैठी, बाय मिस्टेक। हाँ मिस्टेक ही हो गई थी, और लेकिन हमने दोनों करी भाजी। कैसे? अब वो मैं बताऊंगा नहीं फिर। आइडेंटिकल मैं भी दो कर चुका हूँ भाजी, एक बॉम्बे और फिर एक पुणे किए थे हमने सेम नाइट। पुणे वाली थोड़ी लेट थी, ये हम जल्दी खत्म करके चले गए थे, मगर दिल्ली में एक शहर में तीन कर चुका हूँ। पर चलो बॉम्बे से पुणे तो फिर भी कम सफर है, चंडीगढ़ से दिल्ली। हाँ मैं बस, हाँ एक चंडीगढ़ थी और एक दिल्ली थी, तो लेकिन बस उस रात का हीरो मेरा ड्राइवर था भाजी, बस इतना बता सकता हूँ। उसने बचा ली इज्जत, बाकी ऐसा हो जाता है भाई। वाह बड़े यार मजेदार किस्से होते हैं वैसे ना लाइव शोज के भी। बहुत बहुत भाई। भाई जो आपका स्ट्रीट डांसर 3D में गाना था हाय गर्मी, बड़ा कमाल का गाना था। थैंक यू भाई। तो लिरिक्स में पहले ही गर्मी वर्ड था कि जब नोरा आई उसके बाद आपने गर्मी डाला? नहीं भाई, पहले ही गर्मी वर्ड था। अच्छा। बट नोरा ऑफ कोर्स उन्होंने एक और ही लेवल पे ले गई उस गाने को। पर ये गाना बहुत पहले लिखा था मैंने। अच्छा। बहुत पहले, इन द सेंस मैंने हॉस्टल में लिखा था, ये लाइट लूट होती नहीं थी भाई, तो हाय गर्मी वहाँ लिखा था मैंने। और सच बात है, एक मेरे को गर्मी बड़ा पसंद था वर्ड, एक पसीना बड़ा पसंद था वर्ड। हाँ पसीना आया था, वो चला नहीं था इतना, वो जायज था अमीपा जी के साथ था। अच्छा। बट फिर गर्मी लिखा था, गर्मी चल गई है। हाँ वाह, पर बड़ा खूबसूरत गाना। थैंक यू भाई। नाइस। उस समय जब आपने लिखा होगा तब थोड़ी सोचा होगा ये गाना एक दिन करोड़ों रुपए कमाएगा? भाई सच्ची बताऊं तो सोचा था कि इतना बड़ा गाना बना, गाना बनाएंगे तो बड़ा ही बनाएंगे। ये ब्रो, दैट्स द कॉन्फिडेंस। यस, क्या बात है। सुखबीर भाई अपने जितने बादशाह पाजी भी इस बात के गवाह, अपने हमारे जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं बहुत सारे क्या तकरीबन ऑलमोस्ट सब हीरो आने लगे हैं फिल्मों में। हाँ जी, सारे सिंगर्स ही हैं जो हीरो आते हैं स्पेशली इन पंजाबी इंडस्ट्री। कभी आपका नहीं मन किया भी मैं भी आऊं कभी हीरो बनूं ऐसे? फिट तो आप हैं ही, फिट भी हुआ था, एक रोल भी मिला था, एक फिल्म का नाम बहुत लंबा चौड़ा था। अच्छा। तो वो चली नहीं थी, छोटा सा रोल, आई प्लेड माय सेल्फ एज सुखबीर एज अ सिंगर, तो ठीक था। उसके बाद कोई ऑफर आई नहीं शायद। भाई आपको डायलॉग देते एक। हाँ जी। अब ये एपिसोड आने के बाद आपको फिर ऑफर आएंगे, आप डायलॉग बोल रहे हैं। ठीक है। ये है ना जो सेकंड नंबर वाला, ये मेरा फेवरेट है, बाकी आप देख लो। जब तक बैठने को कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मैं समझ गया ऑफर के लिए। भाई आपने ट्राई करना है डायलॉग वाला मोमेंट। खींचो तो पाजी, थोड़ा कम है। पुलिस वाला तो बोलूंगा नहीं मैं। हैं? जिनके अपने घर पाजी, जिनके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वेरी गुड। समझदार को इशारा का। पाजी कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में जी। हाँ तो सुखबीर पाजी एक अफवाह आपके बारे में ही हमने सुनी है कि एक लाइव शो में एक कोई आपका बहुत बड़ा फैन था, लड़का था लड़की ये मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने आपको स्टेज से नीचे खींच ही लिया था और ऑलमोस्ट गिर गए थे आप, ये बात सही है? हाँ जी। कहाँ पे? बताइए। लुधियाने में शो था।
अच्छा बहुत मतलब 7-8 फुट का होगा, मैं 6 फुट का हूँ, मेरे से भी लंबा था। अच्छा तो मैं गाना यही गा रहा था, ओ हो हो हो, तो गाने के बीच में बोलते पाजी 1 मिनट इतने आना, गल करनी है तोड़ना। मैं क्या गाना के बीच में, हाँ मैं क्या गाना खत्म हो रहा था, मैं म्यूजिक चल रहा है, वो स्टेज पर आके मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। ओह गॉश। तो मैं गा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, नहीं छोड़ा। जब गाना खत्म हुआ तो मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है, मतलब कुछ नहीं कल तुसी फ्री है घर तुम, मैं रोटी लेके बुलाना सी। ओह माय गॉड। मैं क्या वेट नहीं कर सकती सी कल शो तो बाद दस मैं पर हाथ नहीं छड़िया, इतने स्ट्रांग से मूड में होगा ना बंदा। हाँ ठीक है, वही प्यार भी इतना होता है कि फिर समझ में नहीं आता कभी कभी उनको कि जताना कैसे। पाजी एक अफवाह ये कि जब आप ईशा अंबानी की प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे, हाँ जी, तो जब आपके मैनेजर ने कहा कि बाकी का पेमेंट, तो उन्होंने कहा कि जीते रहो जियो और उसके बाद आपके फोन का बिल नहीं आता है। मेरा दुबई का नंबर है तो बिल तो आता ही है। बादशाह भाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि कॉलेज टाइम में बस की टिकट के पैसे बचाने के लिए आप कंडक्टर और ड्राइवर को रैप सुना सुना के उनकी दोस्ती कर लेते थे और वो आपसे टिकट नहीं लेते थे, ये बात सच्ची है? नहीं भाजी ये बात सच है कि पैसे होते नहीं थे बचाने, नहीं पैसे होते ही नहीं थे भाजी, बट भाजी ट्रैवल ही इतना करते थे, अब जैसे आप और मैं रोज मिल रहे हैं तो इतना तो चल चला तेरे को रोटी खिला देता हूँ। अच्छा। तो मैं मना नहीं करता था कि चल हाँ चलो खिला दो तो वो ट्रैवल भी मैं फ्री में करता था, और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली में कुरुक्षेत्र या पीपली उस टाइम बस रुकती थी तो खाना भी वही खिलाते थे। बादशाह भाई एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आपके गाने क्लब और बार में बजते हैं मगर इन्हें बनाते आप टॉयलेट में हो क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी वहीं से मतलब ज्यादा आपको, ये सही बात है, बाथरूम में बैठ के आपको ज्यादा आइडिया आते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वहीं पर आते हैं, काफी जगह आते हैं बट वहां पे भी आते हैं। और हाँ जी भाजी क्रिएटिविटी का टाइम तो नहीं होता। हाँ, मैं रिलेट करता हूँ, टाइम तो है नहीं भाई क्योंकि बाथरूम में कुछ और करना तो नहीं होता ना। हाँ तो फिर दिमाग थोड़ा कभी कभी एक्चुअली रात को बाथरूम करने उठो ना 4 बजे सुबह 3 बजे बड़े आइडिया आते हैं, है ना, फिर आप सो जाते हो नींद में फिर भूल जाते हो। नहीं नहीं भाई तो होता है मतलब ये सच्ची बात है, मतलब नींद में आती है और फिर आप रात को नींद में रिकॉर्ड कर लेते हो वॉइस नोट में, अपना फोन साथ में रख के सोता तो वॉइस नोट मैंने रिकॉर्ड किया, सवेरे उठ के मेरे ये समझ नहीं आ रहा क्या है उसको डिसाइफर किया, तो ऐसा होता है भाई कभी भी कहीं भी आइडियाज आ जाते हैं। बट सबसे पहले कब आइडिया आया था कि तुम रैप कर सकते हो, यू नो जब जब मुझे पता चला कि मैं गा नहीं सकता। मुझे आइडिया है कि मैं रैप कर सकता हूं। आपके कैसे आइडिया आया ये सिद्धू जी वाला कि चलते शो में कैसे उड़ाना है? औरतों का ब्रेन ना मर्दों से ज्यादा तेज होता है। ये तो मैं मान गया हूँ, 2 साल हो गए मेरे को ये बात माने हुए। ये तो मानते हैं। हाय 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 हाय। प्रूफ मिल गया आप लोगों को? क्या ये लोग नहीं बजाते, सब पीछे से बजते हैं। मुझे अंकल 5 साल में ऐसे पहली बार खड़े हुए हो, कैसा लग रहा है? पहली बार मेहनत की इन लोगों ने ना, बहुत थक गए होंगे। वाह सुखी अंकल कितना अच्छा गाना बनाया आपने अंकल। थैंक यू। आपको पता है शादियों में जितने नाराज जीजा और फूफा होते हैं ना, जब भी वो ये गाना सुनते सालियों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। थैंक यू। अंकल आप बादशाह हो ना तो आते आते मेरे लिए हाथी ले आते। ये वो वाले बादशाह थोड़ी है। तो मैं भी खिलौने वाला हाथी मांग रहा हूँ, असली हाथी तो हम साथ में लेके घूमते। मुझे हाथी बोला, मुझे हाथी बोला तूने? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ बोला हाथी बोला, मुझे हाथी बोला। नो नो मैं कुछ नहीं बोला, ये किंग कॉन्ग नहीं बनना, मेरे को डर लगता मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है। नहीं 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 हाथी बोलेगा मुझे, मुझे बोल रहा है। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, ये तेरा मजाक है, ये तेरा मजाक है। तू तू अब ये ले, चक मैं खाता हूँ पिज्जा, तू खाता बस भरता है। मैं खाता हूँ पिज्जा, तू खाता बस भरता है, तेरी साली हूँ मैं जो मेरे साथ मजाक करता है।
झिंग झिंग चक खा खा के हो गया सांड मेरी फिटनेस पे जलता है झिंग झिंग चक खा खा के हो गया सांड मेरी फिटनेस पे जलता है सबको बता दूंगा तू अंधेरे में सुसु करता है सुसु मेरा बाथरूम मेरा सुसु मेरा बाथरूम मेरा अंधेरे से भी डरता हूँ तेरी तरह पैंट में सुसु नहीं करता हूँ ओए क्या है ये सब या रिदम में कमान ओए ओए क्या है ये सब ओए क्या है ये सब ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम लोग क्या नौटंकी क्या नौटंकी कर रहे हो तुम लोग कमान गेट ऑन द बीट ब्रो कमान बीट ये बीट ब्रो कमान पप्पू तुम दोनों रुकते हो कि नहीं हमें रोक के दिखाए जिसके हम में है दम यार यार धनीराम कितना अच्छा किया है हम लोगों ने यार मेरे को तो डर लग रहा है क्यों कहीं बड़े होके मैं बादशाह ही ना बन जाऊं यार बहुत घबराहट हो रही है मेरे को कोई मैं डरने वाली क्या बात है यार ये तो अच्छी बात है ना अरे नहीं इतना रोज महंगा महंगा जैकेट खरीदना इतने महंगे महंगे शूज इतना महंगा महंगा चश्मा महंगी महंगी गाड़ी बादशाह बनना बहुत खर्चे वाला काम है और ऊपर से लड़की अभी आई लव यू बोलती है और तू तो जानता है कि मैं कितनी शाही नेचर का हूँ ना बादशाह अंकल किसी लड़की से मेरी बात करवाओ ना प्लीज ओए बड़े तो हो जाओ पहले तुम लोग लड़कियों से बातें करनी है हैं तो हम छोटी छोटी बातें कर लेंगे यार बात तो करा दो सुखी अंकल आपका गाना इश्क तेरा तड़पावे मेरे पापा है पापा माय पापा फेवरेट सॉन्ग सबसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो गाने को क्योंकि मेरे पापा ने कभी इश्क नहीं किया ना क्या बात करते पापा ने इश्क नहीं किया तो तू कैसे हो गया तू एक क्या लगता है मैं इश्क वाला बच्चा हूँ नहीं ब्रो मैं तो रिस्क वाला बच्चा हूँ ओह माय गॉड फालतू की बातें तुम लोग करते रहते हो पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं करते कोई ओके दैट्स अ गुड वन दैट्स अ गुड वन दैट्स अ गुड वन पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं क्योंकि अंकल आप दुबई में रहते हैं ना तो दुबई में अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो वो स्कूल की टीचर उसको मुर्गा बनाती है कि ऊंट बनाती है तुम दोनों की ना शरारतें बहुत बढ़ गई हैं आजकल मैं शरारत नहीं करता कपूंग का ये बहुत शरारत करता है हमारी बिल्डिंग में पम्मी आंटी रहती है उसके गाड़ी का कांच तोड़ दिया इसने फिर उन्होंने इसको डांटा ना तो शाम को जाके हेडलाइट भी तोड़ दी उनकी ये सब मत किया करो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगी वो अरे कुछ नहीं होगा दोस्त मैं बैठा हूँ ना यार अरे मेरे पुलिस अंकल है मेरे फ्रेंड है अच्छा कल उन्होंने मेरे को 100 रुपया दिया और इसके आगे आगे भी किया अरे वो तो बहुत खड़ूस अंकल है यार उन्होंने 100 रुपया भी दिया और हल्ले हल्ले भी किया ऐसा क्यों अरे क्योंकि उनको दूसरी पड़ोस वाली आंटी के साथ हल्ले हल्ले करते हुए मैंने देख लिया ना ओए गेस्ट बैठे जाओ पीछे जाके खेलो तुम लोग जाओ अच्छा बड़ों को बोलते हो काम करो मेहनत करो हम लोग को बोलते पीछे जाके खेलो क्या होगा हमारे फ्यूचर का धनीराम हम लोग कब सेटल होंगे यार अभी बहुत छोटे हो तुम बड़े होगे तो हो जाओगे ना सेटल ऐसा जरूरी नहीं है हमने काफी बड़े लोग को भी देखा है जो दूसरों की जगह पे ही सेटल हुए पड़े हैं हम लोग अपनी मेहनत से करेंगे अपना खुद का करेंगे हम लोग खुद का करेंगे तुम लोग करने क्या आए यहाँ पे ए तू बता ना ए तू बता ना नहीं तू बता बता ना बता ना बता ना बता बता माचा अंकल एक एक बात बोलो मजाक कर रहा हम लोग का ना एग्जाम हुआ था तो हम लोग दोनों फेल हो गए एक्चुअली ये ज्यादा फेल हुआ मैं कम फेल हुआ था तो वहाँ पर ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है हम लोग की तो आप प्लीज पापा बन के चलो ना प्लीज चलो ना रिक्वेस्ट है हमारे पापा बन के चलो पापा बन भी गए तो मम्मी किसको बनाओगे अरे बादशाह पापा बन के जाएंगे तो सारी टीचर मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाएंगी बाहर जाके भी लड़ लेंगे बाहर मतलब यहाँ से बाहर जाके लड़ो कहाँ रोड पे नहीं भी वहाँ पर छुड़वा देते हैं लोग हम लोग यहीं पे लड़ेंगे मजा इधर ही है जाओ बेटा अभी हमें काम करने दो जाओ अच्छा नहीं मैं काम की बात करना सुखी अंकल से सुखी अंकल आपका गाना हमको बहुत अच्छा लगता है वो सौदा खरा खरा अच्छा
वो खरा खरा एक बार आप सुना दोगे ना हम लोग? हाँ जरूर यार। नहीं उठने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। अच्छा। खरा मत होइए, आप बैठ के भी खरा खरा सुना सकते हैं। बैठ के गाना मुश्किल है मेरे लिए। नहीं नहीं भाई, तो खरा भी हो जाएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। तो जाते हैं अंकल, अभी इसको मेरा होमवर्क भी करना है ना, तो अभी हम निकलते हैं। ओके थैंक यू, बाय अंकल, बाय बाय बाय। बादशाह जी आपका एक और सुना नंबर है, आप कर रहे हैं पर ये गाना कर रहे हैं टॉप टक्कर। टॉप टक्कर? टॉप टक्कर। अच्छा, टॉप टक्कर का मतलब तमिल गाने पर, हिंदी और तमिल मिक्स है। अच्छा, तो टॉप टक्कर का मतलब होता है कि एक नंबर। वाह। हाँ, तो उसमें युवन शंकर राजा जो इलिया राजा जी के बेटे हैं, अरे वाह, तो उनके साथ कलेबरेट किया, उन्होंने म्यूजिक भी दिया है, हमने मिलकर बनाया है। और साथ में मेरा भाई अमित उचाना जिनके साथ कमाल है गाना किया था, जोनिता गांधी, मैं, और उस गाने में फीचर करी है रश्मिका मंदाना जो कि साउथ इंडिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और अभी गूगल ने उनको नेशनल क्रश भी डिक्लेयर किया। वाह। मेरे से कैसे बच गई? बस मैंने बोला था कि मैं लाने ही वाला था, बट वो शूट वूट में बिजी थी, अब नेक्स्ट टाइम पक्का। नहीं नहीं, आप डेफिनेटली उनको लेके आइए, हम देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे उनको। और भाई ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ रहे आप, सब में छाप रहे हो। तो भाई वो गाना आ रहा है और बस हो जाए फिर टॉप टक्कर का कुछ हो जाए। कुछ वेरी नाइस, वेरी नाइस बादशाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सुखबीर पाजी, आपसे पहली बार मुलाकात हुई पर बड़ा मजा आया बातें करके, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा ही बादशाह पाजी जब भी आते हैं मजा आता ही है, आज आपने भी आके चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पाजी। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त दो गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ वगैरह धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। गुड नाइट, शबाकार, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।